गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 4, जिसका कोड है MAJMCC204, लेजिस्लेचर जर्नलिज्म। इसके यूनिट 5 पर हम आ गए हैं। ये आखिरी यूनिट है और इसके बाद इस पेपर का जो है हमारा पूरा कंप्लीट स्टडी का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का ये शुरू करते हैं यूनिट। इसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस, स्पेशल मेंशन, डिस्कशंस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, बजट इन पार्लियामेंट, प्रोसेस ऑफ पासिंग बिल्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसके अलावा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन कोई भी जो है अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर होता है, उसको जो है कॉलिंग अटेंशन कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर की परमिशन से किसी मिनिस्टर का अटेंशन, कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है उसके ऊपर जो है ला सकता है। उसके ऊपर वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी दे सकता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन भी करा सकता है। अगर नोटिस की हम बात करें तो नोटिस या तो राइटिंग में देना चाहिए, जनरली राइटिंग में ही दिया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को एड्रेस किया जाता है और उसमें स्पीकर और मिनिस्टर कंसर्न के बारे में ज़रूर जो है बताया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये नोटिस जो है स्पेशलाइज्ड एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पे ऊपर अवेलेबल रहता है और पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस के अंदर ये नोटिस के लिए बॉक्स भी रखा रहता है, जिसके अंदर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर अपना नोटिस जा कर के दे सकता है और वो सबमिट करने का आफ्टर ऑफिस आवर्स में भी बॉक्स के अंदर डाला जा सकता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपको जिस दिन आप डिस्कशन हो रहा है 10 बजे से पहले अगर डालेंगे तो हो सकता है वो उसी दिन डिस्कशन में आ जाए, अदरवाइज उसका भी एक हफ्ते का लगभग टाइम होता है। तो नोटिस की वैलिडिटी की हम बात करें तो इसमें अगर वैलिड जो है जिस दिन आपने ट्रेवल किया जिस वीक के लिए, उस पूरे हफ्ते के लिए वैलिड है और अगर जो है लास्ट डे ऑफ वीक है उस दिन जो है अगर 10 बजे के बाद नोटिस आता है तो जनरली जो है वो नोटिस लैप्स हो जाती है और उसका सिलेक्शन नहीं करती है। लेकिन वही बात है कि स्पीकर के पास पावर है, स्पीकर अगर चाहे समझता है कि नहीं ये ज़रूरी नोटिस है तो स्पीकर चाहे तो उसको जो है सेलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करा भी सकता है। और नोटिस की अगर सिलेक्शन की हम बात करें तो सिलेक्शन का पूरा जो है एक्चुअली जो है ये सारा का सारा नोटिस स्पीकर के पास आती है और स्पीकर उसके बाद उसके ऊपर सेलेक्ट करता है कि किस नोटिस पे बहस होनी है। साथ साथ वो ये भी कंसीडर करता है कि जो मिनिस्टर के बारे में बात किया जा रहा है वो मिनिस्टर अवेलेबल है भी या नहीं, PMO से पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है या नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बैलेट की बात करते हैं एडमिट नोटिस का, तो कॉलिंग अटेंशन में जो है 5 मेंबर से ज़्यादा का जो है नाम उसमें नहीं दिया जाता है। और इसकी अगर हम लिस्ट में मतलब बिजनेस आवर जो बोला जाता है, जो मेन चीज़ों के ऊपर जो सदन में डिस्कशन किया जाता है उसको बिजनेस आवर बोलता है। तो बिजनेस आवर में जो है क्या है, लिस्ट ऑफ बिजनेस होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, तो वो एंट्री जो है लिस्ट ऑफ बिजनेस में करने की जिम्मेदारी और उसका पूरा का पूरा जो है जितना भी पावर होता है वो स्पीकर के पास होता है। वो कौन से डेट में वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में कहाँ पे डाल रहा है वो उसकी मर्जी के ऊपर होता है। वो उसमें कंसीडर भी करता है कि मेंबर भी अवेलेबल होना चाहिए और मिनिस्टर भी अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पर, तो वो सब देख करके जो है करता है। अगर हम बात करें स्पेशल मेंशन की, तो अगर क्वेश्चन आवर्स में कोई चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर वो नहीं आती है और हाफ एन आवर डिस्कशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में या फिर एडजर्नमेंट मोशन में, तो उस टाइम पे जो है स्पेशल मेंशन जो है उसमें पब्लिश किया जाता है और ये जो है राज्यसभा के अंदर भी एज ए स्पेशल मेंशन जो है रेज किया जा सकता है। लोकसभा के अंदर जैसे प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर जो है उसमें राज्यसभा में भी होता है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होते हैं,
तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशन। नोटिस जो है लाना डिस्कशन को रेज करने के लिए, तो शॉर्ट डिस्कशन के लिए जो है जो भी नोटिस लाई जाती है वो राइटिंग में दी जाती है और वो सेक्रेटरी जनरल को जो है पार्लियामेंट के वो एड्रेस की जाती है और उसमें मैटर को प्रॉपरली जो है उसको प्रिसाइजली उसके अंदर पूरा कवर किया जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड जो है प्रिंटेड फॉर्म भी है, उसके अंदर जो है आपको उसको भरना पड़ता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन की जो है कोई भी स्टेटमेंट अगर जो है मिनिस्टर्स या क्या स्टेटमेंट या कुछ देना है तो उसके लिए जनरली जो है क्या है कि पेपर भी जो है मिनिस्टर जो है टेबल पे लेट कराते हैं सारे MPs को उसको पढ़ने के लिए। और कोई अगर मान लो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है सर्कुलेट की जाती है हाउस में किसी भी स्टेटमेंट नोटिस उस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, तो अगर जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट आप विशेष है उससे जो है 15 मिनट के अंदर अगर वो रिसीव हो रही है तो अब उसको माना जाएगा कि ये जो है आपका रिसीव हो चुका है सारे मेंबर्स को। इसकी जो है एडमिसिबिलिटी की कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी मैटर है वो जो है प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। दूसरा कोई एलिगेशन या पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए और हाइपोथेटिकल नेचर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी नहीं है, ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी भी उसके अंदर होना चाहिए। स्पीकर ही फाइनली जो है डिसाइड करेगा कि उसको जो है हमने एडमिश करना है या नहीं। डेट ऑफ डिस्कशन फिक्स करना भी जो है ये भी स्पीकर की मर्जी के ऊपर होता है। और डिस्कशन को रेज करने का जो प्रोसीजर होता है तो उसमें नोटिस जब एडमिट कर दी जाती है तब उसके बाद डेट फिक्स कर दिया जाता है डिस्कशन का और उसमें लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो है वो किस डेट में किस टाइम पे डिस्कस होगा उसके अंदर उसको जो है डाल दिया जाता है। अभी हम बात करते हैं बजट इन पार्लियामेंट। तो बजटरी प्रोसीजर जो होता है वो चार डिफरेंट जो है ऑपरेशंस होते हैं उसमें। पहली बात तो बजट का प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसके अलावा इनैक्टमेंट करना बजट का, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है फाइनेंस के ऊपर। तो आप अगर इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन बजट यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है वो जो है हमारा बजट प्रिपेयर करता है। और ये एक्चुअली क्या है कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट के पास कितने पैसे कहाँ पे आ रहे हैं और उसको जैसे टैक्सेस वगैरह सारा रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा है और उसको गवर्नमेंट जो है बहुत तरह के डेवलपमेंट के काम में और लोगों के जो है भलाई के कामों में बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, इनमें सब में कहाँ कहाँ वो जो है पैसे को खर्च कर रहा है। तो ये एक तरह से जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि हम इस साल में जो है टोटल कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा खर्च करेंगे। प्रेसिडेंट रिस्पांसिबल होता है बजट को लोकसभा में सबमिट करने के लिए और ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में भी दिया गया है। ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरे साल का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको पूरा कवर करता है। आर्टिकल 77(3) सब पैरा 3 में प्रेसिडेंट ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि प्रिपेयर करे वो बजट को और उसको पार्लियामेंट के अंदर पेश करे। तो हम अगर बात करें बजट मेकिंग प्रोसेस का तो बजट जो है पहली बात तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में हर साल जो है बजट सेशन के अंदर जो है जब फरवरी में 1 फरवरी से बजट सेशन स्टार्ट होता है तब वो जो है पेश करते हैं और इम्पॉर्टेंट टेबल्स जो उसमें होते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद बजट का ग्लैंस एक ब्रीफ ओवरव्यू बजट का, उसके अलावा एक्सपेंडिचर बजट, फिर रिसीट बजट, फाइनेंस बिल, मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो संसद में पेश किया जाता है। और बजटली जो प्रोसीजर होता है उसमें जो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें जो मैंने चार चीज़ें बताया प्रिपरेशन बजट का इनएक्टमेंट एग्जीक्यूशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो जो प्रिपरेशन की बात करें तो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सितंबर से
बजट की कार्रवाई शुरू कर देता है, बजट बनाने का काम, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस काम को करता है। अब बजट को तैयार कर दिया जाता है, आपको जनवरी जनवरी तक आपको बजट पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब बजट प्रिपेयर हो जाता है तो लेजिस्लेशन के लिए, उसको इनैक्टमेंट करने के लिए, उसको बजट को जो है बजट लोकसभा के अंदर पेश कर दिया जाता है, और उसका काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का उसको पेश करने का। और एक बजट की कॉपी जो है राज्यसभा के टेबल पे भी उसी टाइम पे रख दी जाती है, क्योंकि फाइनेंस बिल है तो फिर वो राज्यसभा से उसका ज़्यादा कुछ जो है मतलब नहीं होता है, लेकिन उनको टेबल पे एक कॉपी रख दी जाती है। और कट मोशंस आते हैं इसके अंदर, टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन। तो अगर हम इनकी बात करें कट मोशंस की, तो टोकन कट मोशन ये क्या है कि स्पेसिफिक कोई ग्रीवेंस होगी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में ही स्पीकर जो है वोट करने के लिए जो है बोलते हैं, तो उसको जो है कट मोशन बोला जाता है। इसके अलावा पॉलिसी कट मोशन बोला होता है, तो ये पॉलिसी जो है कोई अंडरलाइन डिमांड की कोई पॉलिसी है तो उसको जो है कट करने का कोई मोशन होता है तो उसको पॉलिसी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन होता है कि इकोनॉमी से जो है प्रपोज कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ होता है तो उसको इकोनॉमी कट मोशन बोला जाता है। और इसमें आर्टिकल 113 114 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिमांड्स के लिए जो है इसमें पार्लियामेंट जो ग्रांट करती है इसके बारे में पूरा जो है बताती है। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट्स, वोट ऑन एक्सेप्शनल ग्रांट्स, इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स और टोकन ग्रांट्स, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे किस तरह से जो है होगा। अभी अगर हम बिल पास करने की बात करें तो कैसे बिल पास होती है, तो बिल पास होने के ये सारे जो है प्रोसीजर्स होते हैं। जो बजट का जब पास हो गया या कोई भी बिल पास होता है तो जैसे बजट का प्रोसीजर होता है, इसी तरह से जो है बिलों का भी अलग एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें बिलों को जो पास करने का जो स्टेजेज होता है, वो सबसे पहले जो है क्या है कि फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में कोई भी मिनिस्टर या मेंबर जो है, जनरली मिनिस्टर्स भी होते हैं जो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी हाउस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं और टाइटल को उसको पढ़ते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है जब हो जाता है तो बिल जो है पब्लिश हो जाता है गजट ऑफ इंडिया में। तो इस स्टेज में जो है बिल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। अगर इंडियन गजट में इंट्रोडक्शन से पहले ये बिल आ गया है तो मिनिस्टर मेंबर जो है कोई भी जो है किसी को बाहर जाने लीव करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन इसको बोला जाता है। चार एक्शन इसमें होते हैं। तो इसमें जो है इमीडिएटली जब बिल लाया जाता है तो उस टाइम पे ही डिस्कशन शुरू किया जा सकता है या उसके लिए डेट फिक्स किया जा सकता है, या फिर बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास जो है हाउस के भेजा जा सकता है या ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए भी भेजा जाता है। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज फिर आ जाता है, ये जो है अपना थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में जो है बिल को एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर किया जाता है या फिर बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा बिल जो है जब सेकंड हाउस में फिर भेजा जाता है तो उसमें भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तीनों की तीनों की जाती हैं। और अगर बिल दोनों हाउसों में पास कर दिया जाएगा या फिर कुछ अमेंडमेंट के साथ पास कर दिया जाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर उसमें अमेंडमेंट्स दे दिए गए हैं, सेकेंड हाउस ने दे दिया है और 6 महीने तक उसके ऊपर कोई और कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद उसको जो है तो पास माना जाता है और एक ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा जो है प्रेसिडेंट समन करके उसको जो है बहुत हाउस को और उसके बाद उसको बिल को पास कर देता है। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट का असेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी बिल पास होता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब प्रेसिडेंट का असेंट उसके अंदर आ जाता है तब उसके बाद ही जो है आपका वो पूरा का पूरा जो है बिल को एक कानूनी प्रक्रिया जो है तब मानी जाती है कि आपकी पूर्ण हो गई और एक कानून बन जाता है उसके बाद। इसी तरह से अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में
खाली लोकसभा में मनी बिल्स जो है जितनी भी होती हैं इंट्रोड्यूस की जाती हैं और ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर आती हैं, और प्रेसिडेंट जो है जब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जब उसने रिकमेंड कर दिया है तो इसको गवर्नमेंट बिल का नाम दे दिया जाता है। और इसमें कोई भी बिल मनी बिल होता है लोकसभा से अगर पास हो जाता है तो वो जो है राज्यसभा में कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर के साथ भेजी जाती है। वो जो है बिल को एमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है वो बिल को 14 दिन के अंदर उनको रिटर्न करना होता है, चाहे वो उसका अपना रिकमेंडेशन दें या ना दें। तो दोनों हाउस में से जब बिल पास हो जाता है तो उसको गिव असेंट दे सकते हैं या विदाउट असेंट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट जो है कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न दोबारा नहीं करता है। तो इस तरह से बिलों का काम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है तो उसको जो है उसको अमेंडमेंट के लिए जो डाला जाता है वो कोई मिनिस्टर के द्वारा या कोई भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा वो अपना इस वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें यही फ़र्क होता है नॉर्मल मनी बिल से कि इसके लिए कोई प्रियर परमिशन जो है प्रेसिडेंट का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 50% से ज़्यादा जो है मेजॉरिटी, और 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी जो है प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका जो है मेजॉरिटी 2/3 मेंबर का जो है, ये जो है एक मेजॉरिटी लेकर के की जाती है। और इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर कोई फेडरल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर से भी उसको मेजॉरिटी से या सिंपल मेजॉरिटी से पास करना ज़रूरी होता है। प्रेसिडेंट जो है उसको कोई भी बिल आए तो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है, वो विदहोल्ड भी नहीं कर सकता है, उसको जो है पक्का जो है कंसेंट देना ही पड़ता है। अभी हम बात करेंगे फाइनेंस बिल के बारे में। तो फाइनेंस बिल के अंदर फाइनेंशियल लेजिस्लेशन दो कैटेगरी के अंदर आती है, एक तो मनी बिल और दूसरा फाइनेंशियल बिल्स। मनी बिल्स का जो है पूरा कवरेज आर्टिकल 110 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, और फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल 1171 और पैरा 3, सब पैरा 1 और सब पैरा 3 के अंदर दिए गए हैं। फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के फाइनेंस बिल होते हैं। और टाइप 1 फाइनेंस बिल जो है वो डील करता है वो आर्टिकल 117 सब पैरा 1 के अंदर जितने प्रोविजंस दिए हुए हैं उन्हीं मैटर्स को जो है टाइप 1 बिल डील करता है। और ये ऐसे बिल होते हैं जो ओनली इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही। और फाइनेंस बिल नॉर्मली जो है एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसको या तो रिजेक्ट किया जाएगा या तो अमेंड किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा, अदरवाइज जो है इसमें राज्यसभा के ज़्यादा कुछ जो है एक्शंस उनको ज़्यादा वो नहीं होता है। अगर टाइप 2 बिल की बात करें तो आर्टिकल 117 पैरा 3 के अंडर ये डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें जितने भी कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उसको जो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उससे रिलेटेड जो है ये पूरा का पूरा है। तो फाइनेंस बिल पास करने की बात किया अगर जाए तो इसमें जो है राज्यसभा रेकमेंड कर सकता है चेंजेस अमेंडमेंट्स रेकमेंड कर सकता है, लेकिन 75 डेज इंट्रोडक्शन के अंदर जो है उसको बिल को पास करना पड़ेगा, वो उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता है। अगर हम फाइनेंस एक्ट की बात करें, फाइनेंस एक्ट जो है एक पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके द्वारा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल प्रपोजल्स जो गवर्नमेंट दिया गया है उसको उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल में उसको इंट्रोड्यूस करती है। और इस बिल को पहले लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है यूनियन बजट के तौर पे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है। उसके बाद जब ये प्रपोजल्स जो है पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं तो ये प्रेसिडेंट के बाद भेज दिए जाते हैं और ये फाइनेंस एक्ट उस साल का बन जाता है। तो इस तरह से हर फाइनेंशियल ईयर में नया नया जो है एक्ट बनता रहता है।
अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर के लिए। प्राइवेट मेंबर कोई अगर मिनिस्टर नहीं है और दूसरा कोई व्यक्ति, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। दो टाइप के बिल्स होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक बिल जो है जो गवर्नमेंट बिल बोला जाता है, और प्राइवेट बिल जो है उनको जो है नॉर्मल एक बिल ही बोला जाता है। तो प्राइवेट मेंबर्स जो बिल होता है वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर नहीं है तो वो जो है, या नॉन गवर्नमेंट मेंबर है तो उसको जो है वो अगर कुछ लाता है तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। और प्राइवेट मेंबर जो है मैक्सिमम 3 नोटिस कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल के लिए जो है पूरे सेशन के अंदर दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। अगर हम बात करें प्राइवेट बिल और जो है पब्लिक बिल के अंदर फ़र्क, तो पहली बात तो दोनों के दोनों बिल किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी जो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इंट्रोड्यूस कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है प्राइवेट बिल को, जबकि पब्लिक बिल को कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। और पार्लियामेंट में अगर अप्रूवल की बात करें तो फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है जनरली चांसेस बहुत कम होते हैं अप्रूव होने के, जबकि पब्लिक बिल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। बिल के रिजेक्शन की बात करें तो इसमें जो है अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो उससे बिल रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो है पब्लिक बिल है तो वो क्योंकि गवर्नमेंट ने लाया हुआ है तो इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है और वो रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है उसका। नोटिस पीरियड की अगर हम बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल 1 महीने का नोटिस होता है, जबकि पब्लिक बिल में जो है ओनली 7 डेज़ का नोटिस ही काफ़ी है। बिल की ड्राफ्टिंग की बात करें तो जो मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है प्राइवेट बिल है तो उसको वो ड्राफ्ट करेगा, और जबकि अगर गवर्नमेंट बिल है तो वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वही जो है उसको पूरा का पूरा जो है उसको बनाने का काम, पूरा बिल सारा काम उन्हीं का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम की, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी है उसी के लोग करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का है अगर, तो उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन और उसकी एजुकेशन और उसकी काबिलियत के बेसिस के ऊपर उसको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर या फिर उसको उसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। अगर हम इसके अंदर बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत पहले से है, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम से भी ही इसका ये चलन चल रहा है, और वही सेम चीज़ जो है इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया था। और अभी जो है बहुत सारे जो है स्टैंडिंग कमेटीज आज के डेट में बहुत सारी चल रही हैं, कोई भी चीज़ होता है तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी से उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना, या फिर उससे बहुत सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बना दी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 118 और आर्टिकल 105, इन दोनों ने भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। टाइप्स की बात करें अगर, तो ज़्यादा जो है स्टैंडिंग कमेटीज ही होती हैं, इसके अलावा सेकंड कमेटी भी, सेलेक्ट कमेटी भी हो सकती हैं। और इनका जो है बिजनेस एलोसिकेशन की बात करें तो फिर ये वही है कि किसी चीज़ को कोई जॉइंट कमेटी या कोई सेलेक्ट कमेटी बना के हाउस का कोई भी डिटेल, किसी भी चीज़ का कोई इंपॉर्टेंट बिल आया कुछ भी है तो उसको स्क्रूटनी करने के लिए उसको जो है टास्क दिया जा सकता है। अगर हम कोई इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है बात करें, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग टेकिंग्स, ये सारे जो है कुछ जो है फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटीज हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इसमें जो है क्योंकि पार्लियामेंट के जितने भी मिनिस्टर्स और उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वही मिल करके इसको करते हैं, तो
जितने भी मिनिस्ट्री के ग्रांट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स होते हैं, जो भी बिल जो है, जो एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ है, उनको सबको जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन से ये सारी की सारी जो है चेक करने का भी काम होता है। इसके अलावा डिटेल्ड स्क्रूटनी का काम भी यही करता है। कोई भी बिल अगर आया हुआ है तो उसकी स्क्रूटनी करेंगे कि कहाँ कहाँ सही तरीके से पैसा खर्च किया गया, या फिर जो है कितना फंड अलाटमेंट करना था, कितना दिया गया, कितना नहीं दिया गया। इसके अलावा ये जो है एक मिनी पार्लियामेंट का ही समझ लो एक दर रोल कर देता है, क्योंकि जो है सारी चीज़ों की स्क्रूटनी जो है ये करता है। अभी हम बात करें ग्रेजुअल मार्जिनाइजेशन की। बहुत सारे मैटर्स हैं जिसके अंदर जो है काफ़ी जो है मैटर्स डिक्लाइन हो रहा है रेफ़र करने में, और लेजिस्लेटिव रिसर्च की डेटा की अगर हम बात करें तो 60% बिल्स 14th लोकसभा और 71% 15 लोक में रेफ़र किए गए थे डीआरएससी को, और इसका प्रोपोर्शन जो है 27% जो है 16 लोकसभा में कम हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे जो है इसमें काफ़ी कमियां आ रही हैं। पब्लिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें मैटर्स की, तो फिर ओवरऑल आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो उस टाइम पे जो कमेटी ने जो प्रपोजल दिए थे उसको जो है जनरली गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं, और बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह बहुत सारे बिल्स के ऊपर हुए हैं, लेबर बिल वगैरह के ऊपर, तो एग्रीकल्चरल फार्मर्स बिल, उनमें सब पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो दी गई हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को उसको एग्री भी नहीं किया है। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हैं इसके अंदर। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो न्यू कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है। स्टैंडिंग कमेटी फॉर नेशनल इकोनॉमी, स्टैंडिंग कमेटी टू स्क्रूटनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इसके अलावा मैंडेटरी डिस्कशंस, पीरियोडिक रिव्यू, और इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस के अमेंडमेंट्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जो कि करना चाहिए, तभी इससे जो है काफ़ी इसमें सुधार आ जाएगा। ये डायग्राम दिखा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ किस तरह फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, और एडहॉक सेलेक्ट कमेटीज़ होती हैं, एडहॉक कमेटी या सेलेक्ट कमेटी, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़। तो ये किस किस चीज़ का काम करती हैं, तो रेलवे हेल्थ के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक या सेलेक्ट कमेटी जो है जीएसटी वगैरह के लिए जैसे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स प्रिविलेजेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती हैं। तो इस तरह से ये जो है टाइप्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के। अभी हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है। तो पहली बात तो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है तो एक तो वो उसका पब्लिक फिगर हो जाता है और पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, और कम से कम जो है 50-60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू पहली बात तो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट प्रिविलेज की बात करें कि क्या है, तो पार्लियामेंट प्रिविलेज जो है ये एक्सेप्शनल राइट है या एडवांटेज है, जो भी लेजिस्लेचर है पूरे वर्ल्ड वाइड में वो दी जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो उसमें उनको बहुत सारे जो है प्रिविलेजेस मिलते हैं, लॉ ऑफ लैंड से प्रिविलेज मिलते हैं, एग्जेम्पशन बहुत सारे आर्टरी लॉ से उनको मिलता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनको जो है प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। और इंडिया के अंदर भी सेम ऐसे है कि बहुत सारे जो है राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं जिनको बहुत सारी जो है चीज़ों में इम्यूनिटीज होती हैं और बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो है जो उस जिसको कि वो इंजॉय करते हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ओरिजिन की बात करें तो इंडिया में जो है ये 1833 से जब गवर्नर जनरल्स काउंसिल में चार्टर्स एक्ट 1833 आया था, तब से जो है ये है प्रकाश में, ये चीज़ चल रहा है। इसके अलावा बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे जो है प्रिविलेजेज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेज जो है इनको दे रखे हैं। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो है जनरली जो इम्यूनिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देता है कि ताकि वो जो है इफ़ेक्टिव एक्शन जो है और अपने जितने भी लोगों ने जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो है उनको सही रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ, इसीलिए जो है उनको दिया जाता है। इसके अलावा उनकी एक मेंटेन करना डिग्निटी, अथॉरिटी या आनर जो है
एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको दी जाती है। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो कलेक्टिव और दूसरा जो है इंडिविजुअल। तो जो कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं ये वो प्रिविलेज होते हैं वो इंडियन पार्लियामेंट पूरे सभी को जो है वो प्रिविलेज होते हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं। तो कलेक्टिव प्रिविलेज में जैसे कि बहुत सारी प्रोसीडिंग होते हैं उनसे जो है उनको फ्रीडम रहता है, सीक्रेट सेटिंग हाउसेस के उसके अंदर वो प्रिविलेज उनको होता है, और इसके अलावा वो रूल बनाते हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और कोई भी काम कुछ भी करना है तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है उनको प्रिविलेज होते हैं। लेकिन बीच आप प्रिविलेज अगर करोगे तो आपको मेंबर्स को जो है उसमें एक्सपेल करने का भी जो प्रोविज़न दिया गया है कि पार्लियामेंट उसको सस्पेंड कर सकता है। और इसके अलावा मेंबर्स को रिप्रीमांड, एडमोनिशन, इम्प्रिजनमेंट, इस तरह के पनिशमेंट्स वगैरह के भी प्रोविज़न हैं अगर जो है ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच का अगर काम करते हैं तो। इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें कि तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेशन के टाइम पे कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और सेशन के बिगनिंग और एंड से 40 दिन पहले या बाद में जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है जो प्रिविलेजेज हैं वो दी गई हैं। और इसके अलावा हाउस के अंदर जो है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए वो लायबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो है प्रोविज़न दिए गए हैं ज्यूरी सर्विस से, बहुत सारी चीज़ों से जो है वो उनको इन सब चीज़ों का प्रिविलेज मिला हुआ है। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की अगर हम बात करें तो ये जो है वायलेशन है कोई भी प्रिविलेज का, जब कोई प्रिविलेज दिया गया है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, और उसको जो है गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसको जो है उसका जो है ब्रीच बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज बहुत सारे दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एग्जांपल्स सारे बहुत सारे जो है मतलब इसके अंदर हैं कि कब कब कहां कहां जो है बहुत सारे लोगों ने जैसे कि कोई स्पीच राइटिंग में जो है कमेटी मेंबर्स को जो है रिफ्लेक्शन ऑन करेक्टर इम्पार्शियलिटी किसी चीज़ के बारे में गलत बोलना या गलत चीज़ें जो है मतलब गलत चीज़ बताना या फैक्ट फिगर जो देना वो पूरे के पूरे गलत हों, अल पार्लियामेंट्री यूज करना लैंग्वेज का, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हाउस में बहुत सारे जो है पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, एडमोनिशन, सस्पेंशन फ्राम हाउस, एक्सपेंसल फ्राम हाउस, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर जब ब्रिज का केस सामने आता है और वो प्रूव हो जाता है तो ये सारे एक्शंस होते हैं। स्पीकर के पास पावर होता है या फिर नहीं तो फाइनली प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि ये सब चीज़ें उनको कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये पार्टिकुलर पेपर जो है पेपर नंबर 4 सेमेस्टर 2 का समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है मटेरियल पढ़ाई करने के लिए और तैयारी करने के लिए मिला होगा, और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए जो इस एग्ज़ाम को नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, अगले पेपर के लिए कल ही मुलाकात होगी। जय हिंद, हैव ए वेरी नाइस डे।